वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एशियन पोएट्री एंड टॉक शो विथ डॉक्टर साहेब खंदारे। मित्रों नमस्कार, आज हम अन्नपूर्णा पोवार आहुति इनका एक नारी सम्मान में गाया गीत सदृश कविता सुनने जा रहे हैं। अन्नपूर्णा जी झारखंड से हैं, भारत के झारखंड से। मित्रों अगर हम स्त्री विमर्श की बात करें तो हमें स्त्री विमर्श यानी भारतीय स्त्री विमर्श की अगर बात करें तो इसका एक परिप्रेक्ष्य अलग है, क्योंकि हर जगह की एक संस्कृति होती है, हर प्रांत की एक संस्कृति होती है, हर देश की अलग अलग संस्कृतियाँ होती है, और उस संस्कृति से उभर कर आने वाले विचारों के व्यू, जैसे कि स्त्री विमर्श है, फेमिनिज्म्स है, ऐसे फेमिनिज्म जैसे कई विचार व्यू को जन्म देती है भौगोलिक परिस्थितियाँ, साथ ही साथ सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास को अगर टटोल कर हम देखते हैं तो हर प्रांत की अपनी अपनी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि अलग होती है। वैसे ही भारत की यानी स्त्रीवाद के परिप्रेक्ष्य में हम अगर सोचें तो भारत की अपनी खुद की एक परंपरा है, ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक धरोहर भी है। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के सबसे पहले इसके उपलक्ष्य में ही स्त्रीवाद के लिए या फेमिनिज्म के लिए या स्त्री विमर्श के लिए सोचना चाहिए, स्त्री विमर्श के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। यह अन्नपूर्णा जी की कविता इन सबको छेद देते हुए, उसका सभी विचारों का विभेदन करते हुए, अपने स्त्री होने पर गर्व करते हुए अपनी परंपरा को उजागर करना चाहती है। क्या है स्त्री की परंपरा? वैसे तो चक्की के जो गीत होते हैं, उस चक्की के गीतों को अगर बहुत ध्यान से अनुसंधान किया उन गीतों का, तो हमें ये पता चलता है कि चक्की के गीतों से शुरू होती है नारी विमर्शता की कहानी। नारी विमर्श जो है उनकी सोच, उनका होना, उनकी सांस्कृतिक धरोहर, इन सभी का अगर हमें बहुत गहराई से पता लगाना है, उसके बारे में अनुसंधान करना है, तो सबसे पहले हमें भारत की प्राचीन इतिहास को खोजना होगा। और इन प्राचीन इतिहास में जिन जिन महिलाओं के जो पात्र आते हैं, वो पात्र को देख करके, उन पात्रों की कार्यकलापों को देखते हुए, फिर वर्तमान के स्त्री विमर्श को हमें देखना होगा। वरना हम अगर आधुनिकता की नज़र में, आधुनिकता के दायरे में रह करके स्त्री विमर्श के लिए अनुसंधान करेंगे, उसके ऊपर भाष्य करेंगे, तो वो गलत होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कविता में अन्नपूर्णा जी भारतीय प्रागैतिहासिक पात्रों को, स्त्री पात्रों को लेकर के आज तक वर्तमान स्त्री की जो जीवनी है, समाज में उसका जो स्थान है, उसे दृग्गोचर करने के लिए, दृष्टिक्षेप में लाने के लिए, उनका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास करती दिखाई देती है। तो चलो सुनते हैं एक स्त्री विमर्श की कविता अन्नपूर्णा पोवार जी से। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ। जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ। जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ। मैं सजती हूँ अपनी गरिमा से, सजती हूँ स्वगरिमा से, विश्वास स्वयं पे करती हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ। जो मौन यदि परिपक्व बनाता,
अच्छा है मैं कच्ची हूँ जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ, मैं सजती हूँ अपनी गरिमा से, सजती हूँ स्वगरिमा से, विश्वास स्वयं पे करती हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ। मेरी बाहों में पर्वत हैं, मेरी बाहों में पर्वत हैं, हैं अधरों पर नदियाँ मेरी। मेरी बाहों में पर्वत हैं, हैं अधरों पर नदियाँ मेरी। नैनों में सूर निकलते हैं, ये ध्वनि मेरी है रणभेरी। मैं सजती हूँ अपनी गरिमा से, सजती हूँ स्वगरिमा से, विश्वास स्वयं पे करती हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ। और सुने, कर में जो कंगन धारे हैं, कर में जो कंगन धारे हैं, नक्षत्र यही ये तारे हैं। कर में जो कंगन धारे हैं, नक्षत्र यही ये तारे हैं। माथे पे चंद्र किरण बिखरी, लटकाल निशा घन अंधेरी। मैं सजती हूँ अपनी गरिमा से, सजती हूँ स्वगरिमा से, विश्वास स्वयं पे करती हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ। मेरे बंधन दीवारें चार, हर एक नारी की परिभाषा आप तक पहुँचाती हूँ कि मेरे बंधन दीवारें चार, पट बंद रहे पर एक द्वार। मेरे बंधन दीवारें चार, पट बंद रहे पर एक द्वार, हैं स्वप्न मेरे कितने हजार। कहने दो कहें जो लोग चार, हैं स्वप्न मेरे कितने हजार। कहने दो कहें जो लोग चार। मैं सजती हूँ अपनी गरिमा से, सजती हूँ स्वगरिमा से, विश्वास स्वयं पे करती हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ। अंतिम मंत्रा, मैं अन्नपूर्णा लक्ष्मी दुर्गा। इन चार पंक्तियों में नारी की संपूर्ण परिभाषा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अन्नपूर्णा लक्ष्मी दुर्गा हूँ काल रात्रि की योग दशा। मैं अन्नपूर्णा लक्ष्मी दुर्गा हूँ काल रात्रि की योग दशा। मूर्छों में प्राण भरे मैंने, स्निग्धा सौम्या हूँ कर्कशा। मूर्छों में प्राण भरे मैंने, स्निग्धा सौम्या हूँ कर्कशा। मैं सजती हूँ अपनी गरिमा से, सजती हूँ स्वगरिमा से, विश्वास स्वयं पे करती हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ। जो मौन यदि परिपक्व बनाता, अच्छा है मैं कच्ची हूँ। यदि लज्जा ही नारी का गहना, मैं श्रृंगार बिन अच्छी हूँ।